नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आवाज़ में अभी थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो अभी कॉपरेट आपको करना पड़ेगा, तो वर्कशीट 11 है सोशल साइंस की, क्लास 10th की, 17 नवंबर की। तो ये एसएसटी की है ना, तो आप सबसे पहले खुद आंसर ट्राई करना, फिर अपने आंसर मैच कर लेना। तो पहला हमसे बोला गया कि जो ब्रोकन चेन है ना, वो किसको सिंबलाइज करता है, मतलब किसका प्रतीक है। रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार, हीरोइज्म, या सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, या बीइंग फ्रीड की आज़ादी का। किसका प्रतीक है, किसको सिंबलाइज करता है ब्रोकन चेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो पहले वाले का हो गया डी। अब उसके बाद सेकंड है कि सरिता इज एन एडवोकेट, ठीक है, ये एडवोकेट है, वकील है। ये कह रहा है इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज शी वर्क, ये कौन से सेक्टर में काम करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या नन ऑफ दिस। तो ये टर्शियरी में, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रही है। प्राइमरी में जो एग्रीकल्चर है, जो माइनिंग है, जो नेचर से रिलेटेड कार्यों में लगे हुए हैं ना, वो प्राइमरी में आते हैं। और सेकेंडरी में जो प्राइमरी से रॉ मटेरियल लेकर उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ना, उसे कहते हैं सेकेंडरी। जैसे आपने क्या करा, आपने कॉटन लिया, उसे क्लोथ बना दिए, आपने शुगर केन ली, गन्ने लिए, आपने उससे क्या बना दिया, आपने शुगर बना दी, चीनी बना दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या, क्योंकि सर्विस दे रही है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर है। जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम है, जितना भी इंश्योरेंस है, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, ये सब के सब टर्शियरी में आते हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिलेट्स, इनमें से किसको मिलेट यानी कि मोटा अनाज नहीं कहते, बाजरा, ज्वार, रागी या वीट। तो वीट जो है वो मोटा अनाज में नहीं गिना जाता, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए दो प्रकार से होती है कंट्रीज, एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा तो होल्डिंग टुगेदर। इंडिया जो है ना वो होल्डिंग टुगेदर है, क्योंकि वो सारे स्टेट को साथ में लेकर चलती है, ठीक है। बेल्जियम जो है ना वो होल्डिंग टुगेदर है, स्पेन जो है ना वो होल्डिंग टुगेदर है। तो आपसे पूछ रहा है कमिंग टुगेदर कौन सा है, तो कमिंग टुगेदर कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, इसे हम हिंदी में मनरेगा भी कहते हैं, ये 2005 से रिलेटेड, इनमें से कौन सी बात कहता है। तो देखिए ये कहता है कि एक फैमिली के 1 पर्सन को एटलीस्ट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब 100 दिन की उसे नौकरी मिलेगी। तो इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि ये सबसे पहले 200 जो है ना, जो ज़िले हैं उसमें स्टार्ट हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट है ना 200 उसमें स्टार्ट हुआ था, बाद में से 600 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया। ये एक फैमिली के एक मेम्बर को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसमें जो रिजर्वेशन है ना एम्प्लॉयमेंट का, कि नौकरी किसको मिलेगी, हर 3 में से 1 नौकरी जो है फीमेल को मिलेगी, यानी कि 1/3 जो है वो फीमेल के लिए एम्प्लॉयमेंट रिजर्व है। और एक बात और है कि अगर किसी को 15 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो उसको जो है ना वो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसको अलाउंस मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब घर बैठे कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए। क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट इन इंडिया। देखिए 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। देखिए जो सेंट्रल लिस्ट होती है ना, जो सेंट्रल लिस्ट होती है उस पर तो सेंट्रल का राइट होता है, और जो स्टेट होती है उस पर स्टेट का राइट होता है, और जो कंकरेंट होती है ना उस पर जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों का राइट होता है। जैसे अगर नोट इशू करने हैं ना, या कोई फॉरेनर कोई अफेयर हो जाता है, या किसी देश से लड़ाई हो जाती है, तो उसके सारे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर, जैसे अगर कोई भी हम व्यापार कर रहे हैं,
ठीक है, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी मैटर है वो सारा का सारा स्टेट देखेगी। ऐसे ही जो लोकल जो है ना, जिसको लोकल कह रहा हूँ सॉरी, मतलब जो कंकरेंट है उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर शादी की बात आती है, मैरिज की बात आती है, बच्चे को अगर गोद लेना है, ठीक है, तो इस तरीके के जो होते हैं ना वो कंकरेंट में लिए जाते हैं, दोनों ले सकते हैं उसके ऊपर फैसले। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, पॉलिटिक्स में चैप्टर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसने पूछा था स्टेट लिस्ट जो है वो किस कौन इस पर लॉस बनाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्टैसिस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज इज कॉल्ड। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, उसी में से है। ये कह रहा है कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो ये कहती है कि जो ट्रेडिशन से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उन्हीं के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, कस्टम्स होने चाहिए, और अगर चेंज हो भी रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअली, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होना चाहिए। तो ये किसकी थॉट है, किसकी फिलॉसफी है? तो ऐसे को बच्चों बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, क्योंकि लिबरलिज्म जो होते हैं वो चेंजेस को चाहते हैं कि चेंजेस हो, ठीक है। रियलिज्म कहते हैं जो वास्तव में चल रहा है केवल उसी को बिलीव करो, बाकी उसे हमें क्या लेना देना। नियो लिबरल मतलब जो आज के जो उदारवादी हैं जो काफ़ी एडवांस्ड हो गए उनको कहा गया है। तो आपके कोर्स में जो है ये ठीक है, इनको अच्छे से आप करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंजर्वेटिज्म, क्लियर हो गया। हिस्ट्री के चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। अब उसके बाद ये ज्योग्राफी का पहले चैप्टर से है, ये कह रहा है रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज। ये कह रहा है जो रिसोर्सेज है ना जिसका सर्वे हो चुका है, मतलब पूरी जान हम पहचान हो चुकी है, हमें अच्छे से जानते हैं उसकी क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी। दो बातें याद रखना, जिसकी हम क्वालिटी भी जानते हैं क्वांटिटी भी जानते हैं तो, और उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, तो वो कौन से रिसोर्स कहलाते हैं? तो उसका आंसर है डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अबायोटिक वो होते हैं जो नेचुरल तो होते हैं लेकिन जिंदा नहीं होते, जैसे रॉक हो गई, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो वो अबायोटिक में आते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में होते हैं जो एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है। पोटेंशियल मतलब है जिसकी अभी नॉलेज ही नहीं है अभी जो कितने हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। उसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट है कि आपसे असम्पशन और रीज़न पूछा गया है, तो हम देखते हैं कि ये ट्रू है या नहीं ट्रू। सबसे पहले चेक किया करो कि ये दोनों ट्रू है या नहीं। तो देखिए, तमिल इन श्रीलंका फेल्ट एलिनेटेड, ये कह रहा है कि जो तमिल श्रीलंका के अंदर रहते हैं ना वो एलिनेटेड महसूस करते हैं, अलगाव महसूस करते हैं, मतलब वो अपना देश से समझ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि वहाँ पे जो सिनाला कास्ट के हैं वहाँ पे उनको कोई राइट ही नहीं दे रहे, तो इसलिए वो एलिनेटेड तो महसूस करेंगे ना। उसके बाद रीज़न कह रहा है कि रीज़न इसका यह है, पहले देखो ये ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है कि श्रीलंका के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है सिनाला को, देखो हिंदी में सिनली बोलते हैं और इंग्लिश में सिनला, तो वहाँ पे जो सिनला स्पीकिंग पीपल है ना, जो सिनला लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हीं को वरीयता दी जाती है, तो ये भी ट्रू है। और जो तमिल अपने आप को एलिनेटेड महसूस करते हैं, क्या उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो सिनला को सारे के सारे राइट मिल रहे हैं या उनको जो है क्या बोलते हैं प्रेफरेंस दी जा रही है, तो ये सबसे बड़ा कारण भी है, ठीक है। तो रीज़न तो बहुत सारे होते, तो ये भी रीज़न है क्या नहीं, तो ये रीज़न है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्लियर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कह रहा है आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो जो अमेजन है वो पब्लिक सेक्टर है गलत, टाटा पावर पब्लिक सेक्टर नहीं, रिलायंस पब्लिक सेक्टर नहीं, भारत पेट्रोलियम पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो जिसका उद्देश्य समाज की सेवा करना है, ठीक है, और जो सरकार के कंट्रोल में है ना वो पब्लिक सेक्टर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं सारे आंसर दोबारा बता देता हूँ जिन्होंने लास्ट में जो है देखा था। तो पहले वाले का है डी, ठीक है, दूसरे वाले का जो है वो है सी, तीसरे वाले का जो है वो है डी, चौथे वाले का जो है वो है सी ऑस्ट्रेलिया, और पांचवे वाले का जो है वो ए, ठीक है, छठे वाले का जो आंसर है वो स्टेट का पूछा है तो स्टेट, और सातवें वाले का जो हमसे बोला गया था
कंजर्वेटिज्म, आटे वाला जो है इसका है डेवलप्ड, ठीक है, नौवे वाले का जो है वो ए, और दसवें वाले का जो है वो है डी। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।